हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठे करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए गए हैं, अगर बिना आज्ञा के कहीं भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ इकट्ठी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अनिल विज ने कहा कि कंगना रनौत के घर के अवैध हिस्से को गिराने से उन्हें परेशानी नहीं है, लेकिन अगर यही काम महाराष्ट्र सरकार पूरे महाराष्ट्र में करती तो और अच्छा होता। किसी को टारगेट बनाना गलत बात है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद, ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। हमारे कहने के बाद ही कह रहा है विपक्ष, हमारे कहने के बाद ही कह रहा है। और हमारा काम है कि अपने विभाग में अगर कोई गलती होती है तो उसकी जांच करें। तो हमने जब रिपोर्ट मांगी है कि क्या इसमें भर्तियां हुई हैं, तो उसमें काफ़ी अनियमितताएं सामने आई हैं, इसलिए मैंने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जांच करने के लिए दे दिया। लगभग 250 के करीब भर्तियाँ हुई हैं। नहीं, वो अभी किस तरह से करा है, क्या पैमाना अपनाया, क्या समाचार पत्र में दिया, क्या मापदंड थे, ऐसा सब वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जांच करेगी। बिल्कुल कोई भी अगर कोरोना के नियमों को तोड़ेगा, कोई भी संख्या इकट्ठी करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, मास्क नहीं लगाएगा, तो मैंने सभी SPOs को और डिप्टी कमिश्नरों को कह दिया है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। और मैंने ये भी कहा है कि बिना परमिशन के किसी को भी असेंबली करने की इजाज़त ना दी जाए, और जिसको इजाज़त दी जाए उससे पूछा जाए कि उसकी जनसभा का लीडर कौन है, किसके कहने पर ये लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। नहीं, चाहे वो किसी की भी जनसभा हो, बिना इजाज़त के किसी को जनसभा करने नहीं दी जाएगी। अगर कोई जनसभा करेगा तो मौजूदा कानूनों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुरजेवाला जी के मुंह में जो है सिर्फ क्लच है, ब्रेक और एक ब्रेके नहीं है उनके मुंह में, तो वो सोचते नहीं हैं। सोचने, बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये देश सबका है, कोई भी कहीं पर भी अगर इस देश को टुकड़े टुकड़े करके देखने की कोशिश करता है वो देश का दुश्मन है। इस देश के हर प्रांत पर हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना उस प्रदेश में रहने वाले लोगों का। किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता, किसी पे रुकावट नहीं पैदा की जा सकती। और महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है, महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हमने कंगना रावत का अवैध निर्माण गिरा दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने बॉम्बे के सारे अवैध निर्माण गिरा दिए
और एक तरतीब से गिरा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुन चुन कर कार्रवाई करना, चुन चुन कर प्रताड़ित करना, चुन चुन कर धमकियां देना, ये ठीक बात नहीं है, ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं।